बलरामपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना में 3 लोग घायल। वीरेंद कुमार श्रीवास्तव पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी मोहल्ला सिविल लाइन थाना कोतवाली देहात बलरामपुर द्वारा कोतवाली देहात में लिखित तहरीर दिया गया कि आज सुबह करीब 6 बजे विनोद तिवारी पुत्र पारसनाथ तिवारी निवासी मोहम्मद नील कोठी थाना कोतवाली देहात प्रार्थी के घर पर असलाह लेकर घुस गया और प्रार्थी की पत्नी शकुंतला तथा प्रार्थी की बहन शारदा देवी को बंधक बना लिया और 15 लाख का चेक मांगने लगाए। जनपद बलरामपुर में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में सिविल लाइन्स नाम का मोहल्ला है, यहाँ पर वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर में घुस करके एक विनोद तिवारी नाम का व्यक्ति है जिसने काफ़ी मारपीट की और उनसे उनके परिजनों से पैसे वगैरह छीन लिए। ये विनोद तिवारी उनके यहाँ कुछ समय पहले मुंशी का काम करता था। इनके बीच में कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था तो विनोद तिवारी इनसे 15 लाख रुपये चेक की डिमांड कर रहा था, लेकिन इसमें जब उनके बीच समझौता नहीं हो पाया, कोई बात नहीं हो पाई, तो उसने उनके परिजनों को मारा पीटा और उनकी पत्नी की सोने की चेन और 15,000 रुपये लेकर के वो फरार हो गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें टीम रवाना कर दी गई। शीघ्र ही हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई करेंगे। जी दादा, ये जो हमला हुआ है ठीक SP आवास के ठीक सामने, क्या कहना है? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव जी के परिवार के ऊपर रात में बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें वो मौत जिंदगी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान से कामना करते हैं कि उनके परिवार को और उनको स्वस्थ रखें और उसके बाद जो दोषी हों पुलिस उनको तत्काल गिरफ्तार करके कार्रवाई करें।